स्कैम छो तुम्हें बता। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए टेलीग्राम की दो शॉर्टकट ट्रिक्स लेके आया हूँ। जैसे कि अगर आपने भी कई सारे चैनल्स ज्वाइन करके रखे होंगे तो जब भी आप टेलीग्राम ओपन करते होंगे तो एक साथ कई सारे चैनल्स में कई सारे मैसेजेस आ जाते होंगे। ऐसे में एक एक करके चैनल ओपन करने के बजाय सबसे पहले पहला वाला चैनल कर लीजिए ओपन, फिर इसके सारे मैसेजेस रीड करके एकदम नीचे आके एक बार इस स्क्रीन को ऊपर की ओर खींचने पे नेक्स्ट चैनल का डीपी शो हो जाएगा और स्क्रीन को छोड़ देने पे आप डायरेक्ट उस चैनल पे पहुंच जाओगे। अगर किसी चैनल पे बहुत सारे मैसेजेस हो और आप उन्हें बिना पढ़े डायरेक्ट नीचे जाना चाहते हो तो यहाँ पे एरो बटन पे टैप करके बॉटम पे आ सकते हो और फिर से पुल अप करके छोड़ देने पे नेक्स्ट चैनल पे आ जाओगे। इसी तरह से आप डायरेक्ट एक एक करके सारे चैनल्स ओपन कर सकते हो और सभी चैनल्स ओपन हो जाने के बाद जब बैक जाना चाहो तो फोन का बैक बटन यूज मत कीजिएगा, क्योंकि इससे वापिस सारे चैनल्स एक एक करके बैक आएंगे। इससे बचने के लिए यहाँ से ऐप का बैक बटन यूज करोगे तो डायरेक्ट ऐप के होम पेज पे आ जाओगे। ये ट्रिक ग्रुप्स में काम नहीं करती है, सो उन्हें आपको एक एक करके ही ओपन करने होंगे। अब अगर आपके ज्वाइन किए हुए सारे चैनल्स में से कुछ चैनल्स या ग्रुप्स को अलग अलग देखना चाहते हो तो आप इस तरह से एक या एक से ज्यादा टैब बना सकते हो। इसके लिए यहाँ 3 lines पे टैप करके सेटिंग्स में चले जाइए, उसके बाद फोल्डर के ऑप्शन में जाके क्रिएट न्यू फोल्डर पे कर लीजिए टैप। अब यहाँ पे टैप करके आप उस टैब का कोई भी नाम सेट करके कीबोर्ड से ओके कर लीजिए और फिर यहाँ पे एड चैट पे टैप करके आप इस टैब में जिस किसी चैनल्स ग्रुप्स या कॉन्टेक्ट्स को जोड़ना चाहते हो उन्हें सिलेक्ट करके यहाँ से ओके कर लीजिए और फिर यहाँ से सेव के ऑप्शन पे टैप करने से नई टैब हो जाएगी क्रिएट, जिसे आप होम पेज पे बैक आकर देख पाओगे। और अगर टैब बना लेने के बाद उसमें कुछ चेंजेस करना चाहो, जैसे कि अगर आपने एक से ज्यादा टैब बनाई हो और उनकी पोजीशन चेंज करना चाहते हो तो उस टैब पे टच करके होल्ड करने पे कुछ ऑप्शंस खुल के आएंगे। उनमें से रीऑर्डर के ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप किसी भी टैब को पकड़ के उसकी पोजीशन को आपकी पसंद के अनुसार एडजस्ट करके यहाँ पे डन के ऑप्शन पे टैप कर लीजिए। और अगर आप उस टैब में कोई नई चैट जोड़ना या किसी चैट को हटाना चाहते हो तो इन ऑप्शंस में से एडिट फोल्डर के ऑप्शन को कर लीजिए सिलेक्ट। अब किसी नई चैट को जोड़ने के लिए यहाँ से एड चैट के ऑप्शन में जाके उस चैट को सिलेक्ट करके यहाँ से ओके कर लीजिए और किसी चैट को इस टैब से हटाने के लिए उस पे टैप करके होल्ड करने पे एक प्रॉम्प्ट ओपन होगा, उसमें रिमूव के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ।